नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल ड्यूटी के ऑनलाइन एजुकेशनल सीरीज में। आशा करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेके चल रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम जिस तरीके से लिखते जा रहे हैं, आप लोग सीरियसली पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में पांच वावेल, तथा 21 कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें दो अर्धांश होता है। प्रथम अर्धांश ए से एम तक, तथा द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में पांच वावेल तथा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें दो अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश ई से एम तक तथा द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक होता है। अब हम अल्फाबेट के स्थानीय मान को देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट के स्थानीय मान को याद करने के लिए हमें ई जोटी का प्रयोग किया जाता है, ई जे ओ टी वाई। ई का स्थानीय मान 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20, वाई का 25। यहाँ से हम ई जोटी इसको बोलते हैं, स्थानीय मान याद रहेगा 5 का, फिर उसके बाद हम और का स्थानीय मान याद कर लेंगे। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो मेरा ट्रिक है, मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, आप उसको एक बार ध्यान से देखें, सभी आपको याद हो जाएगा। एक बार हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। तो स्थानीय मान याद करने के लिए इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ए बी सी डी का 1 2 3 4 ये याद रहेगा। अब ई पर आते हैं। ई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें ई को एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये 5 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ई का स्थानीय मान 5। और एफ को देखेंगे तो एफ को इस तरीके से थोड़ा डिजाइन कर दें तो एफ का स्थानीय मान 6। जी का स्थानीय मान बिल्कुल सरल है, जी यहाँ से ऐसे आकर के ऐसे, तो इसमें ऐसे कर दे, जी का स्थानीय मान 7 हो जाता है। और एच को ध्यान से देखिए, अगर थोड़ी डिजाइन करे ऊपर ऐसे कर दे तो 8 की तरह दिखाई देने लगता है, तो एच का स्थानीय मान 8 हो जाता है। उसी प्रकार आई का स्थानीय मान देखा जाए तो आई को कर्सिव लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं और इसको डिजिटल अक्षर में इस तरीके
को कर्सिव लैंग्वेज में आई पढ़ते हैं तथा इसको नौ बोल सकते हैं हम, तो आई का स्थानीय मान नौ हो गया। जे का यानी जे को अगर छोटे लैंग्वेज में देखें तो इस तरीके से और एक बिंदी, तो एक वन और बिंदी को इधर जीरो, जे का 10 हो जाता है। अब आते हैं स्थानीय मान के का, देखते हैं के को, देखो एक इस तरीके से लिखा है, एक दूसरा एक इसी तरीके से लाइन चला है, यानी ये एक ही लाइन मान दे या तो फिर इसको बीच से स्ट्रेच कर दे, तो ए का 11। एल यहाँ होगा, एल को अगर डिजाइन करें तो देखें इस तरीके से तो दो आ जाता है, दो की तरह दिखाई देगा एल, तो एल का 12। एम, एम तो देखेंगे इस तरीके से तीन के अनुसार बना हुआ, एम आया है इस तरीके से बना हुआ आया है एक बार, तो इसको एक लिख करके और यहाँ तीन लिख देंगे। और आ जाते हैं डब्लू पर, डब्लू इस तरीके से तीन दिखाया दूसरी बार दिखाई दे दिया, इसको दो लिख करके इस तरीके से कर देंगे। अब आ जाते हैं एन पर, एन को अगर देखें तो थोड़ी सी अगर डिजाइन करें तो यहाँ फोर, फोर की तरह ऐसे हो जाएगा, तो इसको 14, एन का स्थानीय मान 14। ओ का स्थानीय मान आपने इजोटी से देखा 15, पी का स्थानीय मान अगर ध्यान से देखा जाए तो ये डिजाइन कर दें तो इधर ये 1 और इसका ये 16, क्यू का देखेंगे तो 17 इसमें भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर दे इसमें निकला हुआ, तो ये 17। आर का 18, यानी आर में केवल ये ऊपर का इसको बंद कर देंगे तो ये 8 दिखाई देने लगेगा और 18, और इसमें केवल एक ही डिजाइन आर और एस में एक ही ऊपर से डिजाइन करना है, इधर 9, 19। टी का तो टी 20 सबको याद रहता है, टी 20। और इधर यू को अगर देखा जाए, यू आ जाता है एक बार ये दो की तरह उल्टा, टू की तरह थोड़ा सा अगर डिजाइन करे तो टू, तो इस तरीके से टू आया एक बार तो 21, इधर ये आया दो की तरह ये भी दिखाई देगा तो ये आया दो बार तो इसका 22। उसके बाद 23 का, 23 डब्ल्यू ए याद हो गया। अब एक्स को देखेंगे 24, थोड़ा सा इसमें भी डिजाइन कर दें, एक बार एन आया था तो 14 इस तरीके से करना पड़ा था तो दो बार इसको किए थे 24। वाई का 25 है सबको याद होता है और जेड का 26। इस तरीके से हम पूरे अल्फाबेट का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, जैसे हम देखेंगे कि अगर ले लें लेफ्ट से सातवां, लेफ्ट से सातवां, लेफ्ट से सातवां, लेफ्ट से सातवां जी, तो इसका स्थानीय मान एल से 7 हो गया। राइट से जी का स्थानीय मान हो जाता है आर 20। अगर दोनों को जोड़ दे तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। अगर लेफ्ट की वैल्यू दिया है, राइट की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो राइट बराबर 27 माइनस लेफ्ट। राइट की वैल्यू दिया है, लेफ्ट की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 27 माइनस लेफ्ट, इतना हम करेंगे। अब चल प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, राइट सिरे से 20वां अक्षर कौन होगा? राइट सिरे से 20वां अक्षर कौन होगा? तो राइट सिरे से 20वां अक्षर, तो राइट से 20वां सॉल्यूशन में आ जाते हैं, राइट से 20वां, राइट से 20वां, तो इसका मान लेफ्ट से 27 माइनस राइट से, तो 27 माइनस 20 आ जाता है 7, तो स्थानीय मान 7
जो होता है जी का होता है, तो इसका आंसर जी होगा। उसी प्रकार एक इसमें इम्पोर्टेंट लाइन होता है, से और के की अवधारणा हम देखते हैं। से और के की अवधारणा, से और के की दोस्तों एक अच्छे तरीके से आप एक अच्छे वे में पढ़ते जाइए। अगर आपको कंटेंट कंटेंट चाहिए तो यहाँ रुकिए, कंटेंट मिलेगा। अगर ताम झाम के चक्कर में कि सर बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भाई मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा वहीं मैं कापी पेन से पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़िए, कंटेंट यहाँ मिलेगा आप लोगों को। सी और के की अवधारणा, तो हम देखते हैं सी से, जब क्वेश्चन में सी आएगा तो उसका क्या तात्पर्य है। से से तात्पर्य है, तात्पर्य रेफरेंस को लेकर काउंट करना। जैसे जी से दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, जी से दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। यहाँ इसमें जो है रेफरेंस को लेकर काउंट किया गया है, तो जी प्लस टू बराबर, जी का स्थानीय मान 7 प्लस 2 बराबर 9, तो 9 बराबर आई हो गया। इसी प्रकार से आते हैं के, के से तात्पर्य रेफरेंस को छोड़कर काउंट करना, रेफरेंस को छोड़कर काउंट करना। जैसे जी से दाएं तीसरा अक्षर कौन है, जी के दाएं, जैसे जी के दाएं तीसरा अक्षर कौन है। तो यहाँ हो गया जी प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3 बराबर 10 इक्वल टू जी। तो अब देखेंगे एक और क्वेश्चन, देखते हैं। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा, बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो बाएं से आ जाते हैं लेफ्ट से पांचवें, इस तरीके से आप तीर बनाते हुए जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं से राइट से तीसरे, राइट से तीसरे, इस तरीके से लिखने के बाद आप लोगों को इसको हल कर लेना है। तो लेफ्ट यहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ तो इसको लेफ्ट ही लिखना है, लेफ्ट से स्टार्ट होगा तो यहाँ लेफ्ट लगाना है। अब लेफ्ट, और जब लेफ्ट यहाँ है राइट यहाँ है, लेफ्ट यानी लेफ्ट से पांचवे के राइट से तीसरे, जब लेफ्ट और राइट आ जाएगा यानी दो विपरीत रहेंगे लेफ्ट और राइट, तो इसको जोड़ देते हैं 5 प्लस 3 बराबर 8 और एल से 8 यानी लेफ्ट से आठवां। उसी प्रकार से देखते हैं कि जब, कहने का मतलब जब हम लेफ्ट से चले इधर अल्फाबेट में लेफ्ट से चले, फिर अगर लेफ्ट से लेफ्ट बोल दिया तो इधर वापस आने लगे, इसका मतलब घटाना है। लेकिन जब लेफ्ट से इधर सपोज लेफ्ट यहाँ तक आ गया लेफ्ट का सिरा और इधर राइट,
तो यहाँ तक आए तो लेफ्ट से लेफ्ट बोल दिया, तो इधर हमको स्थानीय मान और घटाना हो जाएगा, और जहाँ तक आए लेफ्ट और लेफ्ट से राइट इधर आना पड़ा तो जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये नियम आप लोग को याद रखना होगा कि लेफ्ट लेफ्ट और उसके बाद राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर उसको जोड़ना है और राइट से लेफ्ट रहने पर जोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेफ्ट, यानी कहने का मतलब लेफ्ट आए फिर लेफ्ट जान, लेफ्ट यहाँ आ गए फिर इसके लेफ्ट, तो घटाना है। अब आ जाते हैं राइट से राइट, राइट से राइट में घटाना है, कहने का मतलब अगर सेम दिखाई दे लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, अगर लेफ्ट राइट अगर ये विपरीत है, ये भी ये लेफ्ट है राइट है तो जोड़ना है, और लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट रहे तो इसको घटाना है। कहने का मतलब अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम हैं चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो चाहे राइट राइट हो तो घटाना है, अगर विपरीत है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो तो जोड़ना है, विपरीत है तो जोड़ना है। इस नियम को आप लोग एक याद रखेंगे, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट सिरे अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट सिरे से दसवें के राइट पांचवें अक्षर के लेफ्ट, दूसरा अक्षर होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे लेफ्ट से दसवां, लेफ्ट से दसवां, लेफ्ट से दसवां, राइट से पांचवां और लेफ्ट से दूसरा। तो इसके लिए जो जिससे स्टार्ट होगा उसी को स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट दस, लेफ्ट और राइट दो विपरीत आ गए तो जोड़ देंगे, और लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो घटा देंगे। तो यहाँ हो गया लेफ्ट से 15-2, इसको हो गया लेफ्ट से 13, तो 13 लेफ्ट से 13 एम आता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से पांचवें, राइट पांचवें अक्षर के लेफ्ट 20वें अक्षर की राइट 10वां, दसवां अक्षर होगा। तो इसमें हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से राइट 5वें से लेफ्ट 20वें के राइट 10वें, तो इसके लिए आर फिर 5 और राइट से ही देखेंगे, राइट विपरीत है तो जोड़ देंगे, राइट फिर राइट सेम है तो घटा देंगे। अब आ जाते हैं राइट जब दिया होगा तो राइट के बाद हमको लेफ्ट का ज्ञात करना होगा, इसको जोड़ देते हैं 25-15 यानी आर पंद्रह तो लेफ्ट आर पंद्रह हो गया तो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट ज्ञात करना होगा, तो 27-15 तो लेफ्ट 12 आ जाएगा, तो लेफ्ट 12 में
एल आता है स्थान, लेफ्ट से 12 में एल आता है तो इसका एल ही आंसर होगा। आगे देखते हैं, वर्णमाला का जब विपरीत क्रम दिया हो, जब वर्णमाला विपरीत क्रम का दिया हो, देखते हैं वर्णमाला, वर्णमाला का विपरीत क्रम, जब क्वेश्चन वर्णमाला का विपरीत क्रम दिया हो तब क्या होगा, उस समय हम देखते हैं जब वर्णमाला विपरीत क्रम में होते हैं, दायां सिरा बाएं सिरे में, दायां सिरा बाएं सिरे में बदल जाता है, अर्थात वर्णमाला का क्रम जेड से एन, एन से एम, एम से ए हो जाता, एम से हो जाता है। वर्णमाला के इस क्रम में, वर्णमाला के इस क्रम में जो समीकरण प्राप्त होता है उसमें लेफ्ट को राइट, लेफ्ट को राइट तथा राइट को लेफ्ट में बदलकर नया समीकरण बनाते हैं। और उसे पूर्व की भांति हल करते हैं। जैसे एक समीकरण देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जब वर्णमाला का विपरीत क्रम हो तो ला का विपरीत क्रम हो तो राइट दसवें अक्षर के लेफ्ट पांचवें अक्षर के राइट, सातवां अक्षर होगा। तो इसके लिए राइट इन सॉल्यूशन, तो यहाँ दिया है राइट से दसवां के लेफ्ट से पांचवां, तो राइट से सातवां, तो जहाँ जहाँ राइट है वहाँ वहाँ लेफ्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ लेफ्ट है वहाँ वहाँ राइट कर लेंगे। तो इसको लेफ्ट से दसवां, राइट से पांचवां, क्योंकि हमें स्थानीय मान लेफ्ट से पता है, लेफ्ट से सातवां, तो लेफ्ट मान करके सॉल्व करेंगे, लेफ्ट मान करके सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से लेफ्ट से आठवां हो जाएगा, तो लेफ्ट से आठवां एच होता है, तो एच इसका आंसर होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।
इसी तरीके से हम